हेलो दोस्तों, अभी लगातार आईपीओस का यहाँ पर बारिश हो रहा है। अगर हम देखें इन्वेस्टर गेन में जाके ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करते हैं, ग्रे मार्केट के बेसिस पे ही हम किसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अगर बिना कुछ उसके बारे में जानकारी के आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो नुकसान भी आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये तो एसएमई है, एसएमई को आप इग्नोर ही कर दीजिए। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई इतना चांसेस नहीं होता कि आपको आईपीओ अप्लाई वहाँ पर अलॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको जहाँ पर आईपीओ लिखा रहता है, ये मेन लाइन आईपीओ होता है, तो उसमें जो है अपने को इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर आकुम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल आईपीओ यहाँ पर ओपन है, जिसका 63 गुना से भी ज़्यादा जो है अभी तक ये हो गया था। और इसमें अगर हम बात करें करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम तो 20% चल रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर इतना ही रिटर्न दे या फिर इससे भी कम रिटर्न दे सकता है। अगर हम जीएमपी चेक नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर माइनस में भी जो है अपने को जीएमपी दे रहा होगा। ये अभी इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो अगर हमें अप्लाई करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लोजिंग टुडे बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एसएमई है और यहाँ पर जो है साइगल का, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बट 17% इतना अच्छा नहीं होता है किसी भी आईपीओ अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो आपका पैसा बचा इसमें फंसे रहेगा। फंसे रहने के बाद भी जो है आपको ये 17% जो कि यहाँ पर दिखा रहा, हो सकता है और ज़्यादा, ये जब तक लिस्ट होगा तब तक और ज़्यादा नीचे हो सकता है। तो मिनिमम जो है आपको अगर किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है अपने को 30% जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम होना ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं तो एसएमई में जो है 100% 70% यहाँ पर अच्छा रहता है, बट एसएमई में जो है अपने को यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं होते कि हमें अलॉट हो जाए और अपना बहुत सारा पैसा इसमें फंसे रहता है। 1 लाख से ज़्यादा आपको 1,20,000 के आसपास जो है इसमें आपको फंसा के रखना पड़ता है, तब जाके जो है यहाँ पर वो मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी भी नहीं है। सो इसमें आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो यहाँ पर इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 20% है तो इसमें ना ही अप्लाई करें। मेरे हिसाब से मैं तो इतना कम 30% से ज़्यादा रहेगा तभी मैं अप्लाई करने का सोचता हूँ। बट यहाँ पर अगर यूनिकॉमर्स में देखते हैं तो यहाँ पर 27% है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक है। लेकिन आपको ये भी चेक करना है इसमें जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बात करें 31 को तो यहाँ पर 0 था, कल की बात करें तो यहाँ पर 30 था, और आज की बात करें तो यहाँ पर आज भी 30 ही रुपया जो है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। तो ये हो सकता है और ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसमें आपको बेनिफिट होने का ज़्यादा चांसेस है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़रूर चेक करें अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा।